अरे क्या कमी है। श्याम सुंदर अरे अर्जुन मेरे दोस्त, क्या हाल है मेरे भाई, कितने सालों बाद मिला तू। मेरा मामला तो बिल्कुल फिट है यार, ये हाथ में सूखी ब्रेड, ये लेडीज वीग, तू कहीं किसी नाटक कंपनी में भर्ती नहीं हो गया क्या है? जाने दे यार, इस मामले फिर कभी बात करेंगे, ले ब्रेड खा। फिर कभी क्यों, इतने सालों बाद मिले हैं, ढेर सारी बातें करेंगे, मेरा बंगला बाजू में ही है, चल चल मेरे। नहीं, और दरवाजा खोल, बैठ जा ठंडे में, बैठ मेरी जान, शाम हो बैठ। बस ये समझ ले कि तेरा ये दोस्त उस घर का गुलाम बनकर रह गया। खैर मेरी छोड़, तू अपनी सुना। तू यहां क्या कर रही है, क्या कर रही है अंदर, रसोई में कुछ काम नहीं है क्या? हैं? चलो चलो जी, कबाड़ में जी स्वामीनाथ। क्या बोली भाभी? स्वामीनाथ देखा, मैंने भी तेरी तरह पैसे वाली बीवी ढूंढी थी, लेकिन सुहाग रात के दिन ही मैंने बिल्ली मार ली, तब से मेरे उंगलियों के इशारों पर नाच रही है और पूरा चोर बाजार। चोर बाजार? चोर बाजार बोला, शेर बाजार, इस हर्षद टोपी के इशारे पर। हर्षद टोपी? तू समझेगा नहीं यार, मैं तुझे ऐसा तैयार करूंगा कि तेरी बीवी भी तेरे उंगलियों के इशारों पर नाचेगी। नहीं नहीं, ये नामुमकिन है। अरे मैं शेयर बाजार का दलाल हूं, नामुमकिन को मुमकिन बनाना मेरा धंधा है। इधर हर काम उल्टा करता। ये क्या बोल रहा है? अरे फट जाएगी। तेरी दुनिया में जीने से तो बेहतर है। गुड नाइट कहते हुए मुंह में दर्द होता है क्या? जब नाइट का ही कोई ठिकाना नहीं तो फिर गुड नाइट कहने का क्या मतलब राधा जी? क्योंकि तकदीर में अपनी लिखा है बालकनी में सोना, अब तो यही है अपना जिंदगी भर का रोना। हेलो श्याम है? श्याम, तुम कौन हो? मैं उसके कॉलेज की दोस्त हूँ, जानू। व्हाट? जानू उसकी कॉलेज की दोस्त? लेकिन राजी सजन मोहे अंग लगा ले, जन्म सफल हो जाए, मसाले वाला दूध लाया हूँ धर्म पत्नी जी। लगता है वो इसे रोज फोन करती होगी, फोन के नाम पे देखा कितना खुश है। लगता है इसकी नानी मर गई है, क्या मुंह लटक गया फोन पर लड़की की आवाज सुनकर। तुम्हारा फोन है? मेरा फोन? मुझको कौन फोन करेगा, हर्षद का होगा। ऐसा करो तुम फोन रख दो, तुम डिस्टर्ब ना हो, मैं बाहर से फोन उठा लूंगा। गुड नाइट मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया दैली। बाहर से फोन उठाने का मतलब है ताल में जरूर कुछ काला है, लगता है ये पागल कवि उसके पीछे पागल हो गया है, लेकिन मैं भी फोन नहीं रखूंगी। हेलो कौन? हाय डार्लिंग, हाउ आर यू? पहचाना, मैं तुम्हारी जानू। जानू? मैंने तुम्हारे लिए कविता लिखी है, सुनाओ। चलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ मैं तो फूल भी तेरे लिए, कैसी हो मेरी जानू? हाँ तुम्हारे बिना कैसे हो सकती हूँ। तुम दिन में मिलते हो तो कितना मजा आता है, मगर एक कमबख्त रात नहीं कटती ना। मैं चाहती हूँ कि हम साथ रात भी गुजारें। उस दिन में कितना मजा आया था ना। रात में मिलो ना। मैं भी यही चाहता हूँ पारो, कि हम जिंदगी भर साथ रहें, मगर मेरी बीवी मेरा साथ छोड़े तब ना। बीवी साली कुत्ती कमीनी। कमीनी कुत्ती?
अब रातें भी गुजारना चाहती है। छी, मत कहो चुड़ैल का नाम। मैं तो कहती हूँ तुम उससे डिवोर्स ले लो। लगता है मेरे प्यार की हिचकी अभी तक चालू है। तुम ठीक कह रही हो, अब तलाक ही एक रास्ता है। वो मैं कल दोपहर को तुम्हारे पास आता हूँ, हम दोनों मिलकर वकील के पास जाएंगे और तलाक की बात करेंगे। पर जल्दी आना, दोपहर को जरा प्यार भी करेंगे, भूलना नहीं, जल्दी आना प्लीज। तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे, तुम कहती हो कि ऐसे प्यार को भूल जाए, नहीं भूलूंगा, मैं आऊंगा। बाय बाय, आई लव यू डार्लिंग, आई स्वीट लव यू मामू। हेलो, हेलो, हाय जान, हाय, हाउ आर यू? फाइन, करवटे बदलते रहे सारी रात, हम बड़े आपकी कसम बड़े आप। बस यूं समझ लो कि जान के बगैर शरीर खाली पड़ा हुआ है अनारकली। अच्छा सुनो, वो चुड़ैल अभी तक जाग रही है या सो रही है? तेरी माँ की? मेरी माँ की क्या? मेरी माँ की? अरे सुबह से तुम्हारी आवाज नहीं सुनी, कोई मीठी मीठी बात करो ना डार्लिंग, बहुत थका हुआ हूँ। ओ तो आ जाओ ना, मैं तुमसे मीठी मीठी बातें भी करूंगी और तुम्हारे बदन की मालिश भी करूंगी। याद है ना उस दिन कितना जबरदस्त मालिश की थी मैंने? मालिश? गरम गरम पानी में तेल। मगर तुम ना, छी बाबा, कुछ ज्यादा ही तंग करते हो। यही तो फर्क है तुझ में और उस साली में, एक बर्फ का गोला और दूसरा आग का गोला। आज बताती हूँ मैं तुम्हें कि मैं बर्फ का गोला हूँ या आग बबूला। हेलो, हेलो श्याम डार्लिंग। हाँ डार्लिंग, कट गया था, सॉरी। श्याम? हाँ सुन रहा हूँ डार्लिंग। श्याम? हाँ श्याम, क्या हो रहा है? रॉन्ग नंबर, ये सब क्या है? मैंने सोचा तुम थके हुए हो ना, इसलिए अपने हाथों से तुम्हारी मालिश करके थकान उतारूंगी। चलो कपड़े उतारो। मेरे कपड़े नहीं, अपने कपड़े उतारो। अरे दुर्गा निवास छोड़ दिया तो क्या हो गया यार? तेरे लिए ये हर्षद टोपी ऐसे एक नहीं 10 घर खरीद सकता है। तेरे को ऐसे समझाऊं, घूमी हो गई, बोलती क्यों नहीं? मैं क्या बोलूं स्वामी, मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ, आपका हुक्म मेरे सर आंखों पर। बहुत अच्छे, देखा भाभी, ये है बीवी का असली रूप। आज मैं बेहद खुश हूँ, मैं अपने दोस्त की खुशियां वापस लाने में कामयाब रहा। आप कामयाब रहे, कुछ समझी नहीं? अरे राधा, यही है मेरा कॉलेज का दोस्त, वो फोन वाला जानू। जानू? 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 मैं जानू बोल रही हूँ, तुम्हारे कॉलेज की दोस्त जॉन। तो वो आप थे? हाँ, यही है वो जानू जो आवाज बदल कर आपको फोन करते रहे हैं। वैसे भी इनकी आवाज शहर बाजार में चिल्लाते चिल्लाते इतनी बदल चुकी है कि कभी कभी तो मैं भी नहीं पहचान पाती। अरे भाई, जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ। अब तुम मेरे साथ चोर बाजार चलना। चोर बाजार? चोर बाजार बोलो। हाँ। शेर बाजार। शेर बाजार। मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि लोगों को टोपी किस तरह पहनाता, और फिर देखना जिंदगी की गाड़ी का पहिया कैसे घूमता है। घुमाता पहिया।